और इसी बीच रीवा से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर रीवा से, आपको बता दें रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि भुवनेश्वर सिंह मारावी इनका नाम है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया। स्थगन आदेश निरस्त करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है, जो खबर रीवा से आ रही है, रिश्वत लेते नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी से जुड़ा ये मामला, ये बड़ा अपडेट। 5,000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार पकड़े गए हैं। भुवनेश्वर सिंह मारावी इनका नाम बताया जा रहा है। स्थगन आदेश निरस्त करने के एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रही है रीवा से, रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भुवनेश्वर सिंह मारावी इस तहसीलदार का नाम बताया जा रहा है। स्थगन आदेश निरस्त करने के एवज में यह रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो रीवा से यह बड़ा अपडेट, रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 की रिश्वत की मांग की थी और रंगे हाथों लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। भुवनेश्वर सिंह मारावी नाम बताया जा रहा है नायब तहसीलदार का। स्थगन आदेश निरस्त करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए, संयुक्त कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया है, रंगे हाथों पकड़ा है। 5,000 की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 की रिश्वत की मांग की थी नायब तहसीलदार ने, जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है। नाम बताया जा रहा है भुवनेश्वर सिंह नारावी और स्थगन आदेश निरस्त करने की एवज में इसने रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, रंगे हाथों इसे पकड़ा गया है। रिश्वत ली थी 5,000 रुपए की। और संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। संजय, जरा ये मामला जो है वो तफसील से बताएं और क्या अपडेट्स अभी। देखिए, लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है UWL द्वारा कराई जा रही है। अभी जो पकड़ा गया है वो प्रशांत परमार है, जो कि एक घाटीगांव ब्लॉक में, ग्वालियर के घाटीगांव ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक था। लेकिन इसके पास में जो है 2 दर्जन से ज्यादा कॉलेज मिले हैं, अवैध संपत्ति मिली है। और मैं बता दूं कि ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक इसके पास जो है 1,000 गुना इसकी कमाई से 1,000 गुना ज्यादा संपत्ति का आकलन किया गया है अब तक। हालांकि कार्रवाई जारी है और देर रात तक कार्रवाई चलेगी, उसके बाद ही आकलन पूरा हो पाएगा किस तरीके से इसने संपत्ति अवैध अर्जित की है और कितनी संपत्ति अर्जित की है। हालांकि इसके पहले तमाम सारी शिकायतें इसके ऊपर ईओडब्ल्यू को भी मिली थी, पुलिस को भी मिली थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।